हे दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप सब बढ़िया ही होगा। फटाफट से नहा लेता हूँ। जैक भैया और सिंचन ने मुझे पता नहीं किस लिए बोला यार, बोला कि अर्जेंटली पहुंच जाओ। और तो गाइस, मैं फटाफट से जैक भैया की जो लोकेशन है वहां पे पहुंचने जा रहा हूँ, मतलब कि जा रहा। फिलहाल तो नहा लिया मैं। तो यार, आप लोगों का काम है जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फटाफट से हम निकलते हैं और देखते हैं आखिरकार जैक भैया ने मुझे बुलाया क्यों। गाइस, इससे पहले यार वहां पे कुछ दिख रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है आसमान में कुछ तो है, लेकिन चलो हो सकता कोई परिंदा वगैरह हो, लेकिन चलो देखते हैं। वैसे भैया भी आई थिंक वही होंगे। और भैया ने मुझे बुलाया क्यों यार? भैया ने, मैंने पूछा कि यार मैं बताओ यार काम क्या है, तो भैया ने बोला मुन्ना जल्दी आ जा, ऐसे करके बोला मुन्ना। ए दोस्तों, तो फाइनली यहाँ पे भैया ने मुझे ऐसे बुलाया, तो फटाफट से निकलते हैं और गाइस पहुँचेंगे ये। और गाइस, आपने मेरी चमचमाती गाड़ी को नोटिस किया क्या? कैसी लग रही मेरी ये दमदार गाड़ी? हाँ, वैसे पता है कि यार काफी मस्त है, मुझे पता है मस्त तो है, लेकिन गाइस मस्त तो है ही। चलो फटाफट से मस्त गाड़ी से हम पहुँचेंगे। और गाइस, ये कुछ स्टेयर जैसा मुझे नजर आ रहा है जो कि आसमान में जा रही है। ओके, भैया की लोकेशन के हिसाब से भैया भी जहाँ पे वहीं से स्टे निकल रही है। ये भैया ने तो स्टे नहीं लगा दी ना? नहीं यार, भैया कैसे लगा देंगे इतनी बड़ी स्टेयर? चलो देख के पता चलेगा आखिरकार ये स्टेयर का माजरा है क्या। और भैया और सिंजा लगता है मुझे वहीं पे मेरा वेट कर रहे हैं। तो गाइस फटाफट से हम पहुँच रहे हैं। आज तो गाइस यार रोड भी मक्खन की तरह पूरा खाली पड़ा हुआ लॉस सैंटोस की, लगता है पूरी जनता भाग गई क्या कहीं पे। वैसे आज तो छुट्टी है, तो इसलिए लॉस सैंटोस की सड़कें काफी खाली नजर आ रही है। और गाइस, यहाँ पे भैया और सिंचन मुझे दिख चुके हैं। अबे नुबड़ा, कहीं का तू अब आया है? अरे भैया क्या हो गया? अबे तेरे को एक घंटे पहले मैंने कॉल किया था, तो जब से तैयारी करके अभी आ रहा है। अरे भैया थोड़ा टाइम लग जाता ना, ये क्या भैया आखिरकार है? ओए ये क्या है? बाप रे, तुझे नजर नहीं आ रहा अपनी आंखों से? ए भैया, ये आसमान में कहाँ सीढ़ी जा रही है? और भैया ये किसने बनाया है? ओए इतने एरी यार होगी भैया, इस स्टेयर के में ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि ये स्टेयर वे टू हेवन है। अरे ये क्या स्टेयर वे टू हेवन है, ये कैसे तुम बोल सकते तुम दोनों? ओए मुन्ना, नहीं तो तेरे घर जाएगी, कैसी बात करता है? ये स्टेयर की वो तो देख कहाँ लेके जा रही है, ओए पक्का कोई खजाना जरूर होगा। ए भैया क्यों ना इस गाड़ी को लेके चल के दिखाऊं क्या? अबे गाड़ी लेके जाएगा ये गाड़ी को तू कब? अबे गधेड़े, कहीं के गाड़ी स्टेयर पे चढ़ेगी? ओके गाइस, यार स्टेयर काफी पतली है तो ये गाड़ी नहीं चढ़ सकती। और भैया इतनी लंबी स्टेयर पे कौन चलेगा कौन यार? ये देख रहे हो कितनी लंबी, मुझे इसका एंड भी नजर नहीं आ रहा कहाँ तक हम चढ़ के जाएंगे ऐसे करके। अबे चढ़ना नहीं, चढ़ने वाली बात होती तो हम पहले चढ़ जाते, मेरे पास एक आईडिया इधर आ। अच्छा क्या आइडिया भैया तुम्हारे पास? ओए ऐसा करते हैं, एक बंदा पहले हम दोनों को कंधे पे लेके जाएगा, फिर तू थक गया तो फिर तुझे मैं कंधे पे ले लूंगा। वाह वाह क्या आइडिया, ताकि कोई भी थके और नीचे गिरे सारे के सारे धड़ाम से नीचे आ जाए। भैया तुम्हारे आइडिया में बिल्कुल भी दम नहीं यार, ऐसे तो जा नहीं सकते। ए तो भैया का आइडिया बिल्कुल फ्लॉप होता। गाइस इस पे जाने के लिए मुझे लगता बाइक ऊपर जा सकती है, तो मुझे एक बाइक चाहिए होगी यार। बाइक कहाँ से लेकर आऊँ बाइक का जुगाड़? चलो गाइस ढूंढते हैं कहीं आस पास यार, मतलब मुझे आस पास कहीं बाइक मिलती तो बाइक लेके हम चलेंगे। चलो यार यहाँ देखते हैं, यहाँ पे कोई बाइक नजर नहीं आ रही यार, शायद उधर चेक करते हैं। ओए मुन्ना क्या टाइम पास कर रहा है? अरे टाइम पास नहीं भैया, भैया तुम्हें चुप रहो ना, तुम्हें कुछ नहीं पता। तो गाइस एक बाइक तो पड़ी और इसके ऊपर ब्लड लगा हुआ है यार। मुझे लगता कोई बंदा इस बाइक से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है स्टेयर पे, और वो धड़ाम से नीचे गिरा और वो हॉस्पिटल में पहुंच गया होगा। अबे ये क्या, बाइक से हम भी ना गिर जाएं? ए भैया टेंशन किस बात की, जब मैं हूँ बाइक राइडर। फटाफट से तुम दोनों ही बैठो, मतलब कि मेरे साथ मत आना, मैं जा रहा हूँ। अबे ऐसे कैसे हो सकता, हम भी चलेंगे साथ में, क्यों संजय? अरे की भैया मैं चढ़ के नीचे मत जाओ। अरे यार ये क्या, ओवरलोड कर दी बाइक को पहले यार। ओए चुपचाप अब गाड़ी को स्टार्ट कर दे। अरे यार भैया अकेले मैं चले भी जाता, तुम दोनों और बैठ गए। अरे यार ये क्या ड्रामा है तुम दोनों का। ओए हमने स्टेयर को ढूंढा है तो हम ही चलेंगे ना साथ में, ओए ज्यादा चालाक बनता है खुद को। अच्छा ठीक है ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करने का, मैं लेके चल रहा हूँ। अबे ये क्या कर रहा है तू, बाइक को स्पीड तो खींच दे,
अरे भैया ज्यादा स्पीड खींची ना तो यहाँ से सीधा नीचे चले जाएंगे। ओए ठीक है, बाप रे अब मेरी जान तेरे हाथ में है, कुछ भी गलती नहीं करने का। अरे अगे भैया मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, लेकिन फिलहाल तो मजा आने वाला है। अरे यार टेंशन मजा तो आ रहा है, लेकिन तुम दोनों यार बाइक पे बहुत ज्यादा वेट बढ़ा दिया हो, जिससे यार बाइक कुछ ज्यादा अजीब से बिहेव करने लगे। अरे ऐसे बोला, वो तेरी फ्रेंड है जो बिहेव कर रही है नुबड़ा गई का। आया बड़ा हे भैया नीचे तो देखो, मुझे डर लग रहा है देख के अभी से। अरे बाप रे, ओए अभी तो स्टार्ट हुई स्टेयर, चल मुंडा स्टार्ट कर दे। अरे भैया कहीं ये बाइक पलट ना जाए यार। ओए कैसे पलटेगी, ए भैया तुम्हारे वजन से पीछे यार अच्छा खासा, तुम दोनों नीचे रहते मैं अकेले देख क्या जाता ना। ओए तूने भी बेवकूफ बनाया क्या, अरे तुझे लगता है बेवकूफ है जो नीचे बैठ के इंतजार करेंगे कि मुन्ना कुछ लेके आएगा। अरे कहीं खाने वाली चीज मिल गई तो पर। अरे ये क्या खाने वाली चीज के लिए ऊपर इतना हम जाने वाले हैं। अरे मजाक कर रहा हूँ, कहीं गोल्ड वगैरह मिल गया तो मुन्ना, और कहीं हेवन में जाने का मिल गया तो परियों से कौन मिलेगा, मुझे ही तो मिलना परियों से। अरे बाप रे भैया के सपने तो कुछ अलग ही लग रहे मुझे, भैया परी से मिलना है बड़ा, ये परी भी तुम्हें जूता फेंक के मारेगी। ओए कैसी बात करता है, चल गाड़ी को आगे बढ़ा तू पहले, आप बातें मत बना जाता। हे भैया अगर बाइक फिसली ना तो भैया हम सारे के सारे अभी हड्डी पतली सब टूट जाएगा, हम भी हॉस्पिटल में सीधा पहुंचेंगे, फिर हेवन सही में ना पहुंच जाए भैया, कहीं बाइक गिरे और सीधा हेवन में। अरे बाप रे ये क्या है, अरे एक मुंडा को टेंशन हो जाती झेलते झेलते, यहाँ पे इतने सारे मुंडा कहाँ से आ गए। अरे भैया ये कोई असली नहीं है, ये क्लोन है भैया, लेकिन यार ये क्लोन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे रास्ता भी बंद कर दिया भैया, वॉल लगा रखी है। ओके गाइस ये क्या चक्कर है, यहाँ पे एक पेपर गिरा पड़ा, इस पे क्या लिखा है, ओड एंड आउट। यार ओड एंड आउट क्या होता है मुझे क्या पता। ओए मैंने आउट सुना है क्रिकेट एम्पायर बोलते हैं, आउट मतलब विकेट गिर जाना। अरे यार आउट मतलब विकेट गिर जाना वैसे। अरे हो कि भैया मुझे पता है ओड एंड आउट क्या होता है। अरे क्या होता है सेंचन बताओ यार। अरे यार ओड एंड आउट मतलब होता है कि जिसमें सबसे सारे एक जैसे और उसमें सबसे एक अलग ढूंढना होता है जो सबसे अलग हो। अच्छा ठीक है, इतने सारे मेरे यहाँ पे स्टैचू बना रखे, इनमें से तुम्हारा कहने का मतलब कि एक स्टैचू अलग होगा और उसे मुझे ढूंढना है। अरे यहाँ से क्या आगे भैया, यही काम तुम्हारा है। हाँ ठीक है गाइस, यहाँ पे मुझे ऐसा ढूंढना है इनमें से कि जो अलग हो। यार ये तो वाकई में काफी टफ है यार गाइस, मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी, फटाफट से यार कमेंट में यार लिखो यार यहाँ से ऑड एंड आउट, फटाफट से कमेंट में लिखो यार ऑड एंड आउट, और यार लीड लाइक भी करो यार, दो टास्क जल्दी से आप लोग कर दोगे तो मेरा यार जल्दी से यहाँ पे मिल जाएगा। ओए मुंडा क्या कर रहा है, अपनी शक्ल देख के भी तुझे पता नहीं चल रहा। अरे भैया ये वाला मुझे कुछ अलग लगा, लेकिन ये क्या, ओके गाइस ये वाला तो नहीं कुछ हुआ। अरे की भैया तुम्हारे पास खाली तीन चांस है, अगर तुमने तीन चांस यूज नहीं करे तो ये सीढ़ी अपने आप टूट जाएगी। अरे ये कहाँ पढ़ लिया तुमने। ओए मुंडे पेपर में लिखा पड़ा है, तूने पूरा पढ़ा भी नहीं इंस्ट्रक्शन। अरे यार ये वाला लगता है नकली यार, ये भी नहीं था। अरे बाप रे गाइस यार मेरी तो दो गलती हो गई, अब लास्ट वाला बस एक ऑप्शन रह गया, अगर मैंने इस बार भी गलत पकड़ा ना तो ये पूरी स्टेयर डिस्ट्रॉय हो जाएगी और हम लोग धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे। तो यार अब बहुत ही बारीकी से मुझे देखना है, ये मेरी लाइफ मतलब के सवाल है, मतलब मुझे लास्ट मौका मिला है। अरे की भी इस बार संभल के करना है, नहीं तो हम लोग सीधा हॉस्पिटल में जाने वाले हैं। अरे सिंचन टेंशन मत लो गाइस, आप लोगों को क्या लगता है, आपको कुछ नजर आ रहा है क्या, कुछ अलग सा होगी यार, यहाँ पे फाइनली सारे सेम नजर आ रहे हैं यार गाइस, कुछ तो होना चाहिए जो कि उसे अलग बनाए यार। यार यहाँ पे सारे एक पोजीशन में खड़े हैं, तो गाइस किसी का भी देखो यार कोई पोजीशन अलग होगी। यार मुझे समझ नहीं आ रहा आखिरकार फंडा क्या है, मेरा तो दिमाग ही कंफ्यूज हो रहा है, मुझे सारे के सारे सेम लग रहे हैं यहाँ पे यार, अलग क्या दिख रहा है। ओए मुन्ना ध्यान से देख, कुछ ना कुछ फर्क हो, किसी का हाथ देख मुड़ा उड़ा तो नहीं है। हाथ या पैर मुड़ा हो तो गाइस इस मामले पे मुझे एक ही वाला होगी, कुछ अलग लग रहा है, देखो गाइस इसके हाथ देखो ध्यान से, बात बाकी के हाथ एकदम स्ट्रेट हो रखे हैं, लेकिन इसके हाथ थोड़े से लूज है। ये देखो यार यहाँ पे ये वाला होगी कुछ अलग लग रहा है, ये वाला नहीं मैं दिखा रहा आपको ये वाला, अब ये वाले होगी को देखो यार इन दोनों में कितना फर्क है, तो गाइस ये वाला होगी मुझे लगता है अलग है, और इस पे मैं ट्राई करने वाला हूँ, मतलब कि पक्का कंफर्म हूँ, क्योंकि इसके जैसे हाथ किसी भी होगी के नहीं है, इसके हाथ देखो लूज है, तो गाइस मुझे लगता है इसी को हमें आउट करना पड़ेगा।
हे यार, किस्मत अच्छी हो। अरे मुन्ने जल्दी कर दे। अरे भैया कर रहा हूँ ना, ये आउट करा। ये गाइस बाप रे, इसके अंदर से तो मैजिकल निकल रहा है कुछ। ओए मुन्ना, इस दीवार के अंदर से कोई आवाज आए। अरे भैया लेकिन वॉल तो हटी नहीं अभी भी। और ये आंसर ठीक है, अगर मैंने गलत ढूंढ लिया होता तो ये पूरी स्टेट टूट जाती। आखिरकार वॉल हट क्यों नहीं रही? अरे ये क्या कि गाइस, वॉल का मैजिक खत्म हो चुका है और मैं वॉल में आर पार जा सकता हूँ। फाइनली चलो काम तो बन गया, फटाफट से अब हम आगे निकलते। वैसे ये वाकई में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क था। अगर गाइस मैंने वो लास्ट वाला भी गलत निकाला होता तो भाई ये स्टेयर सारी टूटती और हम लोग सारे नीचे धड़ाम से गिरते। ओए जभी तो मैं न्याय ढूंढने के लिए और ना ही मैंने सिंचन को भेजा। अगर हम तीनों अलग अलग करते ना तो फिर तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती मुन्ना। हाँ भैया ये भी सही कहा, लेकिन गाइस ये स्टेयर खत्म क्यों नहीं रही? जब से हम भागे जा रहे हैं, मतलब बाइक को चलाते जा रहे हैं। ओ तेरी भैंस की टाट भैया, अब मेज बैंक बिल्डिंग से हम ऊपर आ चुके हैं। वो देखो मेज बैंक बिल्डिंग। ओए मुझे तो नजर आ गई, मेज बैंक बिल्डिंग से बहुत ऊपर आ गए। अबे मुझे डर भी लग रहा है साथ में। अरे भैया डर तो मुझे भी लग रहा है, ये स्टेयर कब खत्म होगी भैया? कई ऐसी स्टेयर से हम लेके मून पे ना पहुंचे। ओए मुझे क्या पता कब खत्म होगी, बस तू गड्डी को चालू करके रखियो। अरे गाइस गड्डी को चालू करो तो दोस्तों फटाफट से आप लोग कमेंट में यार मुझे थोड़ा सा चाहिए यार बूस्ट, मतलब कि मुझे चाहिए थोड़ी सी हिम्मत। तो यार जल्दी से फटाफट से कमेंट में लिखो, अब आगे लिखो फटाफट से यार, ये तो बहुत ही ज़्यादा टफ होते यार है। भैया ये कहाँ फंसा दिया तुमने, खजाने के चक्कर में मेरा खजाना नहीं कल जाए। ओए मुन्ना, ओए जो बंदा नीचे गिरा था ना जमीन पे, ओए हमने उससे पूछा था, मैं और सिंचन है। क्यों सिंचन? अरे यार उसने बताया कि ऊपर एक यूफो रखा है। अरे बाप रे, एक यूफो रखा है, उसको कैसे पता चल गया? ओए मुन्ना उसको पता चल गया होगा, मुझे क्या पता, लेकिन वो वही यूफो लेने जा रहा था। अरे ये क्या भैया, यूफो लेने जा रहा था लेकिन वो तो हॉस्पिटल में पहुंच गया। ओए वो पहुंच नहीं पाया ना, गिर गया ना, यही चक्कर है। अच्छा भैया जब भी तुम भी मेरे साथ ही जाना चाहते थे यूफो के चक्कर में। ओए तूने अब समझा, ओए हमें मून पे जाना है, आज तो मून पे चलेंगे मुन्ना। ए भैया मून पे तो जा रहे हो, कहीं देखना गड़बड़ ना हो जाए। तो फाइनली गाइस यार ये स्टेयर कितनी ज्यादा है मुझे समझ नहीं आ रही कब खत्म होगी। हम तो बस चलते जा रहे, ये स्टेयर कब एंड होगी? ओए मुन्ना आराम से गड्डी को बस निकालते रहियो। ओए बिल्कुल भी बाइक फिसलने नहीं चाहिए। अरे भैया फिसले नहीं, अरे रे ये क्या रे, बाल बाल बच्चे भैया उधर फंस गई थी गाड़ी। ओए अब तो डिफिकल्ट हो जा रही है स्टेयर मुन्ना। अरे ऊपर कुछ तो दिख रहा है मुझे। अरे भैया मुझे भी कुछ नजर आ रहा है, वो क्या चीज है यार? ओए लगता हम हेवन में पहुंच चुके हैं। ओए बस थोड़ी देर की बात है मुन्ना, हम लोग हेवन में होंगे। भैया हेवन में होंगे, चलो देखते हैं कहाँ पहुंचेंगे, हेवन की जगह पता चले नीचे ही। ए हॉस्पिटल में पहुंचेंगे। अरे की भैया बस हम पहुंचने वाले, और यार हेवन तो काफी अच्छा नहीं वाला है, इससे पहले मैंने कभी हेवन देखा ही नहीं। ओए कैसी बात कर रहा है? अरे हेवन देखेगा तो उसके लिए तेरा अपना गेम ओवर करना पड़ेगा। अरे यार भैया तुम तो हेवन में नहीं जाओगे, हेल में जाओगे। ओए ये सब बातें मत कर मुन्ना, तू गाड़ी पे फोकस कर ले। अरे बाप रे क्या कर रहा है? अरे भैया धीरे धीरे करके, स्टेयर बहुत ही ज्यादा अजीब होते जा रही है, अभी क्या करूं मैं? ओए लगता वो बंदा भी यहीं कहीं गिर गया होगा क्योंकि इस स्टेयर दे रहा कितनी खतरा। अरे बाप रे मैं भी गया। अरे भैया बाल बाल बचा मैं। ओए ये क्या चक्कर था, मैं बाइक पे नहीं आ रहा, ओए मैं तो पैदल ही आ जाऊंगा। ए भैया छवा तुम्हारी वजह से गिर गया, लगता है वजन ज्यादा हो गया था गाइस यहाँ पे। ओए मुन्ना ठीक है, मैं तो पैदल ही आऊंगा, वैसे भी पहुंच ही चुके हैं। ए गाइस भैया को उठा दिया, मतलब कि मैंने उतार दिया, वो गिर गए और बाल बाल बचे यार गाइस, थोड़ा सा बच गए हम लोग, नहीं तो हम लोग तो सीधा नीचे जाते। ए यार तो फाइनली गाइस हम पहुंचने वाले ऊपर, अभी फाइन यहाँ पे वेट भी कम हो चुका है बाइक पे भैया का, तो फिलहाल बाइक अपनी काफी सही चल रही है, अब मुझे कोई डर नहीं लग रहा। पहले डर लग रहा था, भैया पीछे बैठे थे जिससे यार बाइक का सामने से उठने का डर ज्यादा था, आगे से उठ जाती तो पलट जाती बाइक। अरे यार भैया आज तो मजा आने वाला है, जल्दी करो मुझे यूएफओ चलाना है। अरे ये क्या सेंशन, यूएफओ चलाने के इतनी जल्दी पड़ी? पहले मैं जल्दी नहीं करूंगा, मैं तो आराम से लेके चलूंगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरा भरा, मतलब भरा हुआ काम है। अरे यार लगता है बचने वाले, मजा आ गया, फाइनली में यूएफओ मिलने वाला है। अरे सेंशन ज्यादा खुश मत तो यार, फाइनली हम पहुंचने वाले गाइस। लेकिन मैं जब से पहुंचने वाला ये फिर भी स्टेट खत्म नहीं हो रही है।
अबे स्टेयर की क्या है? अरे बाप रे, इतनी डेंजरस स्टेयर है, मैं क्या बताऊं गाइस, हम कहां पर आ गए? मुझे खुद भी नहीं पता ये हम कहां पर आ गए। चलो फिर भी यार, हम यहां तक पहुंच गए तो हम थोड़ा सा, अरे सिंचन ऊपर स्टेयर तो मुझे दिख ही नहीं रही, अब गायब हो गई। अरे भैया ऊपर नहीं जाना, वो देखो रैंप बना हुआ है, मुझे लगता है किसी तरीके का चैलेंज है। अरे अब क्या ये चैलेंज कम था क्या? हम ऑलरेडी एक चैलेंज पार कर चुके हैं सिंचन, एक और चैलेंज है क्या? अरे मुझे तो लगता है ये कोई रैंप है। अरे यार ये क्या इतना बड़ा चैलेंज, बाइक लेके ऊपर आ गए। अरे नहीं 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 नहीं, अरे ये क्या, यहाँ पे तो रास्ता नहीं था। ओह नो, अरे भैया ये क्या कर दिया तुमने, पैराशूट क्यों नहीं ऑन करा? अरे सिंचन होना भी तो चाहिए, फाइनली ये कहाँ पहुँच गए हम? ओए मैं भी पहुँच के रहूँगा। अरे बाप रे, बस मैं आने वाला हूँ। लगता है यहाँ पे कोई जादू सीढ़ी होगी। ओए जो कि मुझे नजर नहीं आ रही, होता है मैंने देखा पिक्चरों में इनविजिबल सीढ़ी। चलो पैर रख के देखता हूँ इनविजिबल। अरे बाप रे ये क्या, अरे बच गया बार बार, नहीं तो पूरा ही नीचे चढ़ जाता। अरे भैया आ गए तुम भी। ओए मैं भी आ गया, ये क्या चक्कर है आखिरकार? अरे भैया वही तो मैं भी देख रहा हूँ यार, सामने एक और चैलेंज है यार, ये क्या? अबे एक और चैलेंज आ गया, बाप रे अब एक और चैलेंज, वैसे घुटनों में दर्द हो गया चल चल के। अब भैया ये चैलेंज को पार करना है, लेकिन इसके इंस्ट्रक्शन कहाँ पे है, कहाँ पेपर पड़ा है क्या कहीं पे? हेलो गाइस, आपको पेपर दिख रहा है क्या? मुझे पेपर ढूंढना है, इस गेम के भी कोई इंस्ट्रक्शन वगैरह होंगे। यहाँ पे एक नोट नजर आ रहा है गाइस, इसमें क्या लिखा हुआ है? ये पार करने पे यूएफओ मिलेगा और साथ में तुम्हारे पास 3 लाइफ है, वो भी अपने पार्टनर की। ओके ये समझ नहीं आ रहा, अपने पार्टनर की लाइफ है मतलब कि मेरी एक लाइफ होगी, अगर मैं इस चैलेंज में पार करता हूँ तो गिर जाता हूँ। चलो ठीक है, उसके बाद मेरी एक लाइफ जाएगी, फिर उसके बाद सिंचन और जैक भैया की भी लाइफ है। आखिरकार चक्कर क्या, समझ नहीं आ रहा, तुम दोनों की भी लाइफ काम आ जाएगी। तो गाइस लगता है हमारे पास 3 चांस है इसको पार करने के। ओए मुन्ना क्या बात कर रहा है? ए भैया हाँ, उसमें लिखा था कि पार्टनर की भी लाइफ है, तो पार्टनर तुम दोनों मेरे, मेरी भी लाइफ जोड़ के 3 लाइफ है, मतलब कि हमें 3 बार मौका मिलेगा इसे पार करने के लिए। तो फटाफट से भैया तुम ही जा रहे हो क्या पहले? ओए सही कहा, ये पार्क और पार करना तो मेरे लिए चुटकियों का खेल है। ये ले, अरे बाप रे बच गया। ए भैया डरने का नहीं, पार करके रहने का। ओए ये ले जंप लगाऊंगा। अरे बाल बाल बचा। अरे भैया बाल बाल बच रहे, लेकिन ये क्या? ओए अबे कोका कोला वो लगा दिया, लेकिन मैं इसको भी पार करके रहूंगा। अरे भैया थोड़ी स्पीड तो दिखाओ यार, क्या स्लो बंदे हो तुम भी, इतना धीरे धीरे चल रहे हो, कब तक पार करोगे? ओए तेरे को ज्यादा ही बोलना है तो तू चुप रह ले। अरे बड़ा ए भैया जल्दी करो, मैं कुछ नहीं बोल रहा। गाइस यहाँ पे भैया को हम देखने वाले, भैया कब तक पार करेंगे? ओए मुन्ना देखा ना यहाँ तक मैंने कितने चुटकियों में पार कर दिया है, आखिरकार बोलता ना मुझे पार्कोर। अरे भैया पार्कोर बड़ा करो। अरे ये क्या भैया, तुम तो नीचे गिर गए यार आखिरकार। अरे यार ये क्या, मैं यहाँ पे कैसे आ गया? अरे यार मुझे समझ आ गया, जो बंदा जहाँ गिरेगा उसका पार्टनर वहीं से स्पॉन होगा और उसकी बच्ची वहीं से स्टार्ट हो जाएगी, तो इसी वजह से सिंचन वहां पे आ गया। अरे ये क्या गाइस, यहाँ पे सिंचन पहले गिर गया, जिससे हमारा स्पॉन पॉइंट भी खराब हो गया, तो मुझे दोबारा से करना पड़ेगा। और हमारे पास ये लास्ट चांस है, अगर इसमें फेल होते हैं तो गाइस हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और मुझे लगता है ये पार्कोर भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और हमें यूएफओ भी नहीं मिलने वाला जिससे हम मून पे जा पाएंगे और भी जगह घूम पाएंगे। तो गाइस हमें यूएफओ लेने के लिए आराम से जाना पड़ेगा यार, एक ही लाइफ है तो मुझे बी केयरफुल। थोड़े से मुझे ये गाइस यहाँ से जंप करता हूँ, ये आ गया। ओए मुन्ना तू कर सकता है, कमान कमान मुन्ना। ए भैया कर तो रहा हूँ, लेकिन ये कुछ ज्यादा टफ लग रहा है मुझे, धीरे धीरे करके यार। ये आराम आराम से पार करना है। भैया देख रहे हो ना मुझे? ओए मैं देख तो रहा हूँ, थोड़ा और आराम से कर मुन्ना। ए भैया फाइनली पार करके ये आ गया मैं इधर। ओए बस 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 मुन्ना, ये गाइस मैंने ये तो पार कर लिया, मुझे सीधा स्पेस जंप लगाना। ओके गाइस ये भी पहुंच गया मैं। अब स्पेस से मुझे आगे पढ़ना है, ये पतला सा जो भी है, और आगे एक बड़ा सा बलून मुझे नजर आ रहा है, ए एरोप्लेन वाला बलून, उसके ऊपर से जाना, बीच में एक बैरियर सा भी चल रहा है, मुझे इसको भी डॉच करके निकलना है। चलो मैंने इसे डॉच कर दिया। गाइस यहाँ पे आगे बढ़ के, यहाँ पे यार ये पतला सा है, यहाँ पे मैं गिर ना जाऊँ,
मुझे थोड़ा संभल के जाना पड़ेगा। ये पहुंच गया। ओके गाइस पहुंच गया। मुझे यहाँ से बढ़ता। ये आगे पंखे वगैरह मुझे नजर आ रहे हैं। ओए मुन्ना कम ऑन, मुन्ना तू कर सकता है। ओए भैया कर तो सकता हूँ, लेकिन मेरी भी सही में यार भी डर लग रहा है मुझे काफी ज्यादा यार। अगर गलती हुई ना थोड़ी सी भी तो हम ये पूरा हमारा ये कार डिस्ट्रॉय हो जाएगा भैया। हम फिर से नीचे पहुंच जाएंगे जमीन पे। और यार इतनी मुश्किल से हम यहाँ पे पहुंचे। तो गाइस ये देखो यूफो बना हुआ है यार यहाँ पे। सही से ये यूफो उड़ने वाला नहीं है, मुझे लगता प्रॉप्स है खाली। ओके गाइस यहाँ पे हमें फटाफट से आगे निकलना है। यहाँ पे पंखे घूमे जा रहे, अब इन पंखों को ध्यान से देते निकलना है मुझे यार। थोड़ा सा टाइमिंग बैठा के निकलते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा। ओके निकल गया। अब इसके ऊपर से मुझे यहाँ से जाना आराम से गाइस, यहाँ से धीरे 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 धीरे। ए भैया ओए मुन्ना संभल के रहियो। अरे भैया संभल के जाने। हाँ ठीक है मैं संभल के जा रहा हूँ। वैसे भी यहाँ से ये तो इजी था, अब ये क्या चक्कर है गाइस? यहाँ पे सेफ्टी लगी बीच में। अरे नहीं नहीं ये क्या हुआ रे, मेरा पैर फंस गया। ओके गाइस ये एक झूले की तरह है और मैं फिसलता हुआ सीधा। फाइनली गाइस अपने पार्कोर कंप्लीट कर दिया और यार बिना गिरे हमने ये पार्कोर कंप्लीट कर दिया। और ये क्या इतने सारे ऑडियंस में क्या कर रही है, लगता है गाइस ये हेवन के लोग है क्या? और हमारा गिफ्ट किधर है? ओए मुन्ना आ गए बस। एक गाइस फाइनली हमारा गिफ्ट भी यहाँ पे आ चुका है, एक बहुत ही बड़ा यूएफओ गाइस। फाइनली मजा आ गया और अब इस यूएफओ से हम करने वाले मजे फाइनली भैया। ओए मुन्ना काफी मस्त लग रहा है तो। अरे की भैया बहुत ही सही है, चलो नीचे लेके चलो इसे। अरे सिंचे नीचे लेके चलूंगी यार, रुक तो जाओ, वैसे मुझे यूएफओ के कंट्रोल समझने दो। अरे होगी भैया ये वाले कंट्रोल मुझे दे दो। अरे ये क्या, ये तो बंदूक भारी है। अरे यार वो तो वेपन वाला कंट्रोल है, सिंचन वेपन वाले कंट्रोल से दूर हटो। अरे होगी भैया मुझे करने दो कंट्रोल को, डरते क्यों? अरे ठीक है गाइस यहाँ पे कुछ भैया सिंचन के हाथ में कंट्रोल है, कुछ करे ना। ओए सिंचन कर देता भाई चलो। ओए देखते हैं इस यूएफओ में कितना दम है। अरे यार भैया दम की बात मत करो, ये बहुत ही बड़ा यूएफओ है। अबे जो भी हो यूएफओ, बाप रे बाप इसके अंदर कितने खतरनाक वेपन है। अरे ये तुम दोनों कर क्या रहे हो भैया, ये क्या कर रहे हो, लॉस सेंटर्स को तबाह करने में क्यों लग गए? ओए मुन्ना यूएफओ की पावर तो देख, बाप रे बाप ये पूरी गाड़ियों को उड़ा दे रहा है, वाकई में काफी दम है इसके अंदर तो। अरे यार भैया पुलिस केस हो गया, तुम लोग मान क्यों नहीं रहे? ओए तूने देखा नहीं, ये तो हल से भी खतरनाक पावर है इसके अंदर। अरे भैया क्योंकि एलियन टेक्नोलॉजी से बना यार ये, इसलिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ओए मुन्ना मुझे तो बहुत ही मजा आ रहा है, आप साथ में निशाने भी लगा सकते हैं ऐसे क्यों सेंचन? अरे की जैक भैया बहुत ही मजा आ रहा है, अगर भैया तुम चुपचाप रहोगे बस उसको कंट्रोल करो, बाद बाकी हम देख लेंगे। अरे ये क्या तुम लॉस सेंटर्स में तुम दोनों तबाही मचाने में लगे पड़े भी, मैं क्या बोलूं तुम दोनों को? ओए कुछ नहीं बोल सकता तो चुपचाप बैठे रहे, मैं भी नहीं चाहता हूँ यहाँ पे, मुझे बहुत ही मजा आ रहा है गोलियां चलाने में। अरे यार ये टेक्नोलॉजी यूज कर रहे भैया बहुत ही ज्यादा डेंजर है। ओए चुप रहे। ओए सेंचन अब बता किसको उड़ा है? अरे की भैया बहुत ही मजा आ रहा है क्या, बस सारी गाड़ियां उड़ा देंगे, मैं ही मजा आ गया यार ये फो में तो। ओए मजा तो आ रहा है। हे भैया ये तुम दोनों बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे यार, ऐसे कैसे चलेगा? ओए मुन्ना तू चुप रहे। ओए पुलिस के हेलीकॉप्टर आएंगे, ओए किसी भी चौपर को नहीं छोड़ेंगे हम लोग। अरे भैया 4-star केस हो चुका है यार भैया, धीरे धीरे करके अभी मिलिट्री आ गई ना और उनके पास तोप होंगे तो भैया वो तोप से इस यूएफओ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओए तुझे क्या लगता है मैं इनको मौका दूंगा क्या, क्यों सेंचन? अरे सही क्या चाहिए भैया, इनको मौका देने से पहले हम इन लोगों को मार देंगे और इन लोगों को शक भी नहीं है इनको किसने मारा है, क्योंकि हम तो यूएफओ में बैठे वो लोग सोचते हैं कि किसी एलियन ने अटैक कर दिया है। ओए ये प्लान भी ठीक है, वैसे सेंचन कुछ ज्यादा और स्मार्ट होते यार जरूर करके। अरे भैया ये तुम दोनों की जो शरारतें ना मुझे महंगी पड़ जाएंगी। ए भैया बहुत हो गई मस्ती, चले क्या मून पे? ओए मून पे नहीं अभी पहले तबाही मचाने दिया भाई। ओए क्या मस्ती यूएफओ है। ए गाइस यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे लगता कि भैया की यहाँ पे मस्ती खत्म होने वाली है। और दोस्तों मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए मेरे प्यार। ओए रुक जा। अरे ये क्या पीछे बीच में रुक गया। ओए ये ले पहले यहाँ पे पुलिस की गाड़िया फोड़ूंगा। ओए बहुत पुलिस वालों ने मुझे जेल में डाला ना, आज सच्चे चुन के बदला लूंगा मैं अपना।
कि भैया चोरी करोगे तो जेल के अंदर ही जाओगे ना। ओए बदला तो मैंने ले लिया है, आगर का कैसा लगा? ओए इधर भी फोड़ डालूंगा। ओए कोई नहीं बचेगा मेरे हाथों से। अरे क्या पागल पत्ती भैया, ये कर क्या रहे हो? ओए ये ले सबको फोड़ डालना आखिरकार, मजे आ गया मुन्ना फोड़ के सबको। अरे यार भैया सबको फोड़ है, लेकिन भैया अपने घर को तो देखो यार। ओए घर क्या देखेंगे, ओए ये वो अपना घर नहीं है। ए भैया पुलिस को पता चल गया ना तो हमें घर से घसीटते हुए लेके जाएंगे। ओए मुन्ना पता कैसे चलेगा, हम तो यूएफओ के अंदर, उन्हें लगेगा कि एलियन है कोई। अच्छा ठीक है यार, यहाँ से निकलते फटाफट से। ओए मुन्ना अब कहाँ चल रहे हैं? ए भैया अब हम चलेंगे गैलेक्सी में और करेंगे मस्त एडवेंचर। ए भैया लॉस सैंटोस को तुमने जो तबाह करा ना, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ओए ठीक है, वैसे तेरे को अच्छा क्या लगता है, फटाफट से ऊपर निकलते हैं। ओए हम जा रहे हैं मून पे। ए दोस्तों आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब हम जा रहे हैं मून पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।